करेक्ट। आज सुबह मैं देख रहा था, जब मैं वहां से प्रश्न करके लौटा, लोग दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन थी, और क्योंकि अभी एक गेट है, बस यही लाइन को मैं सोच रहा था कि अगला महोत्सव जब यहाँ हो तो लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़े। जय हो, जय हो, जय हो। बड़ा ध्रुवी काम कमेटी कर रही है, और मेरी भावना है कि आदिनाथ भगवान के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। आज कई लोग नीचे बिना दर्शन किए हुए ही चले गए, बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना है, एक घंटे के बाद पहुँच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो आपका कार्य हो रहा है, सब लोग भावना भाव कि अगला जब भी यहाँ कोई कार्य हो तब तक तुम लोगों को गर्भगृह में जाने के लिए ऐसी सुविधा हो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, आज जो है इन ऐतिहासिक पलों के अंदर हजारों की संख्या में लोगों ने आज अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि भाई हमें जो है नीचे भूगर्भ में जो विराजमान है अमूल्य निधि, विश्व में ऐसी कहीं प्रतिमाएं नहीं है, चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, अर्यंत भगवान, इनके दर्शन भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। तो सब कह रहे हैं आज ये पंच कल्याण के पिछी वर्धम हुक्म, आज पंच कल्याण के पिछी परिवर्तन में ये हाल है, मूर्ति निकल जाती तो क्या हाल होते, ये तो सोचो। जय हो, जय हो। तो कल्पना तो करो, और तुम्हारी कमेटी लोग वाले जो है, और खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। परम पूज्य गुरुदेव, अपने आपको हालांकि जुनून चढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कमेटी को हुक्म को एक जुनून चढ़ा है, चांदखेड़ी को हम, क्योंकि मेरे बराबर आलोचक दुनिया में कोई नहीं, और मैं आलोचना कभी दुश्मन की नहीं करता, मैं आलोचना अपने कार्यकर्ताओं की, अपने भक्तों की ही करता हूं। जय हो, जय हो। और इनको पानी पे चढ़ाता हूं जम के, और इनको, और इनको ये क्या, तो पूरे चार महीने में तुम देखना क्या ये धर्मशाला है, क्या ये कमरे हैं, क्या ये दे? इसका परिणाम ये निकला, चार महीने में कोई इतनी बड़ी धर्मशाला, जब मैं यहाँ आया था तब मैंने सोचा था कि ये धर्मशाला में एक साल लगेगा, एक साल के पहले हो ही नहीं सकता, तीन साढ़े तीन महीने में धर्मशाला एक ऐसी तैयार करके, और आज पंच कल्याणक में वही काम आ रही, तो ये जुनून होना चाहिए। और इनकी कमेटी को खास तौर से हुक्म को तो ये जुनून है कि मैं चांदखेड़ी की हर शिकायत को दूर करके रहूंगा। जय हो, जय हो। पूरी टीम है, नरेश जी हैं और भी गोपाल वगैरह सब लोग हैं, लेकिन नेता, नेता तो नेता ही होता भाई, देखो जय हो। नेता में यदि जुनून हो जाए, और इनका एक संकल्प है कि मैं चांदखेड़ी की हर शिकायत दूर करके रहूंगा, और मुझे विश्वास है कि ये क्या है, सन की आदमी है, और सन की आदमी को एक बार सनक आ जाए तो फिर आकाश में भी नशेनी लगा देता है चढ़ने के लिए, और होना चाहिए बहुत अच्छी मेहनत करके। और आज जो स्थिति, अब मूर्ति यदि अपनी निकलती तो बोलो, कल्पना करो कैसे संभालोगे, क्या करोगे, ये देखने की बात है, विचारने की बात है। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज कह रहे हैं जनता, और आज गेट, आज विश्व का सबसे बड़ा गेट, अभी तक मैंने 32 फुट 8 इंच का गेट एक लकड़ी में इतना बड़ा खड़ा होना बहुत बड़ी चीज है, शीशम का गेट और 32 फुट 8 इंच 33 फुट का गेट क्या कहलाता है, भीलवाड़ा के बालकों ने मिलकर के जो बनाने वाला उसने बनाया, और लेकिन आज समय पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया, देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जय हो, जय हो। पूज्य गुरुदेव का जहाँ आशीष होता है वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, यदि प्रभु भूगर्भ से प्रकट होते तो हजारों हाथ वॉलंटियर बन जाते। पूज्य गुरुदेव ने जब जब कृपा दर्शाई, चाहे वो सांगनेर महोत्सव हो, चाहे वो ज्ञानोदय तीर्थ नारेली महोत्सव हो, लाखों कलश हुए। गुरुदेव एक ऐसा मौका आएगा, हमारे काका का श्रावक श्रेष्ठी जयंती परिवार अभिनंदन कर रहे हैं, जब गुरुदेव की आवाज होगी तभी यहाँ महा महोत्सव होगा, होगा, होगा और होगा। गुरुदेव की छत्र छाया में हम प्रभु चंद्र प्रभु के दर्शन करेंगे, जैसा कि आज अभी पिच्ची परिवर्तन में दर्शन।